किसानों को बिजाई के समय किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, आज उसी विषय को लेकर मैं पहुंचा हूं अमित जी के पास, जो अभी फ़िलहाल बताएंगे कि किसान किस तरह की समस्याएं लेकर आ रहे हैं और उन समस्याओं के लिए किस तरह का सुझाव दिया जा रहा है और कौन सा सुझाव कारगर साबित हो रहा है। अमित जी मेरे साथ, नमस्कार अमित जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अभी फ़िलहाल जैसे बिजाई का सीज़न अभी गेहूँ का शुरू हो जाएगा तो किसान पहुँच रहे हैं और किस तरह की समस्याएँ फ़िलहाल सामने देखी जा रही हैं? सर, मेन समस्या यहाँ पे खरपतवार की आती है, गुल्ली डंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है खेतों में, तो उसमें झाड़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फार्मर। कई किसान तो अब ऐसे आ गए थे आज से 2 साल पहले कि वो ठेके पे देने पड़ गए थे, उनका वहाँ मतलब कि गुल्ली डंडा इतना हो जाता था कनक दिखती नहीं थी बिल्कुल भी, तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे एरिए में। तो उसका कोई निदान हो पाया, किस तरह का सुझाव किसानों को दिया जा रहा था? हमारे यहाँ पहले क्लोडीना, फिनक्सा मतलब ये दवाइयाँ होती थी, एक एक दो दो बार स्प्रे करने के बाद भी किसान संतुष्ट नहीं था, पूरी तरह से बच जाता था कोई ना कोई गुल्ली डंडा, तो वहाँ दिक्कत रहती थी। तो पिछले 2 साल से हमारे पास एक दवाई आई है जो अभी 3 दिन बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर स्प्रे करना होता है, उसमें उससे उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं उसके। उसमें क्या है मतलब कि 20 दिन के बाद पानी लगाना होता है, जिससे वो सारा गुल्ली डंडा जो भी जमा होता है वो 90-70-80% तक वो सूख जाता है। यहाँ निम्न प्रकार के सुझाव दिए गए, उनमें एक जो है सुझाव कारगर साबित हुआ है, नाम अगर दवाई का जाने कौन सी कंपनी का है? वो बायर का मोमी जी है जी, वो अवेलेबल अब होने लग गया है लास्ट ईयर से, वो अच्छी क्वांटिटी में खेतों में स्प्रे हुआ है और किसान बहुत संतुष्ट है जी। यानी मंडूसी से कहीं ना कहीं अब किसानों को जो है छुटकारा मिल चुका है। हाँ जी, ये प्रोडक्ट है सर हमारा मोमी जी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मतलब मार्केट में सेल होने लग गया है और अच्छे काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं सर इस प्रोडक्ट को। तो अब किसान जो खरपतवार है मंडूसी है उनसे राहत जो है वो मिल चुकी है, कहीं ना कहीं मोमी जी जो है वो कारगर साबित हुआ है? कारगर, बहुत कारगर साबित हुआ है जी, किसान प्रोडक्ट से खुश हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बातें ये हैं भी 3 दिन के अंदर अंदर स्प्रे होना चाहिए, खेत उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, पूरा तैयार खेत होना चाहिए और 20 दिन के बाद कंपनी पानी के लिए कहती है, 70-80% के रिजल्ट हैं और एक स्प्रे किसी न किसी खरपतवार का हो जाना चाहिए ताकि उसका बीज अगर कोई थोड़ा बहुत बचता है तो अगर इन फाइनल इन फ्यूचर वो बीज ना बचे आगे ना जाए। अमित जी, अक्सर देखा भी ये भी गया है किसान को ज़्यादा समझ ना होने के पर या समझाने का कहीं ना कहीं कारण रहता है, किसान जो है 3 दिन के दौरान स्प्रे नहीं करता, वो कहने के 7-8 दिन ले लेता, क्या उसमें भी कारगर साबित रहती है या 3 दिन के दौरान ही स्प्रे करना पड़ता है? नहीं सर, कंपनी की तरफ से पूरी गाइडलाइंस है 3 दिन के अंदर अंदर ही इसका स्प्रे का उपयोग करें अच्छे रिजल्ट के लिए, 7 दिन का अभी तक ट्रायल नहीं हुए हैं भी उसमें रिजल्ट कैसे आते हैं सर। अच्छा, यानी किसानों को जब यहाँ मोमजी दिया जाता है तो साफ तौर पर समझाया जाता है कि आपको करना क्या है? हाँ बिल्कुल सर, साफ तौर पर समझाया जाता है भी 3 दिन के अंदर आपको स्प्रे करना है, 18-20 दिन के अंदर पानी लगाना है, जो किसान मानता है उसी के लिए दवाई अवेलेबल है, ऐसे मतलब कि किसानों का नुकसान दवाई देके नहीं किया जाता है। तो अवेलेबिलिटी अगर माने, क्योंकि अक्सर शॉर्टेज जो है वो देखी जाती है, तो क्या अवेलेबिलिटी मानी जाए कि मोमी जी जो किसानों को सही समय पर जो है वो मिल रही है? सर, पिछले साल तो मोमी जी मतलब इन सीजन के बीच में ख़त्म हो गया था, मार्केट में माल बिल्कुल नील हो गया था, काफ़ी अच्छी तरह से स्प्रे हुआ था, अब कंपनी ने कमर कसी है लेकिन शॉर्टेज है, तो मतलब कि अगर पहले ही किसान लेके रख ले अगर मतलब जिसके समस्या है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो खरपतवार तो ख़त्म हो जाता है, मंडूसी ख़त्म हो जाती है, पैदावार किस तरह की रहती है? पैदावार सर, जब खतवार ख़त्म होएगा तो पैदावार तो बढ़ेगी, देखो ओब्वियसली है मतलब उसमें तो फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों से, किसान साथियों से क्या अपील आपकी रहेगी मंडूसी और खरपतवार को ख़त्म करने के लिए? यही अपील रहेगी भी जिस को किसान भाई को दिक्कत है वो अपना मोमी जी का स्प्रे जरूर से जरूर कराएं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छी दवाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।